देखो यंग एज में लगने के ना बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, जितनी जल्दी लगते हैं, जैसे ये अपने बीच में बैठा है बच्चा, 21 साल में ये भी लग गया था ना, कल ये बता रहा था, 21 साल और 20 साल में जिनकी नौकरी लग जाती है ना, वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सकते हैं क्योंकि जिम्मेदारी नहीं होती। जैसे 30 में नौकरी मिलने के बाद क्या होता है, बीवी बच्चे हस्बैंड घर वाले पैसे छीनने वाले हो जाते हैं, 20-21 साल में पैसा आपका होता है। मैं जब 20 साल में नौकरी लगी थी ना, तो मैंने आपको कई बार बताया मेरी सैलरी 5,000 रुपए थी, वो 5,000-5,000 भी जुड़ते ही चले गए, और 70,000 रुपए उस टाइम बड़ी बात थी, 70,000, क्योंकि तब 4,500 रुपए तो तोला सोना हुआ करता जो आज 50 के हेरफेर में रहता है, तो 70,000 वो सिर्फ मेरे थे। अब जैसे कोई 30 में लगा तो वो 70,000 महीने के कमाता है ना, तब भी इतने सारे लोग होते हैं, मेरे लिए क्या लाए हो, मुझे क्या मिलेगा, मतलब इस तरह से उस इंसान के पैसे बचते कम है अपने लिए। जितनी यंग एज होती है उतना ज्यादा पैसे पे आपकी कमांड होती है, और फिर 20-22 साल में जो नौकरी लग जाता है ना, वो 25 साल तक उसका पैसे से पेट भी भर जाता है, फिर उसे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई दूसरों के लिए भी हम कर सकते हैं। तो जितनी यंग एज में लगोगे उतना ज्यादा कमाओगे, उतना लाइफ को अपने हिसाब से जियोगे। तो कोशिश करो ये 2022 में तो तुम नौकरी ले ही जाओ। क्लास में कंपटीशन का अपना एक तो ना सर्कल अच्छा बना लो, यहाँ तुम आते हो, अब अपने साथ ऐसे लोगों को रखो या उनके साथ उठो बैठो जो पढ़ाई की बातचीत करते हो, फालतू की बातचीत ना करते हो। एक बहुत सारी लड़कियां भी ऊपर जाके सेल्फी लेती रहती हैं, पढ़ती नहीं, पता नहीं क्या करती हैं, ये सच्चाई है, मैं कई बार जाती हूँ, ये गलत है। देखो तुम लोग मुझसे बहुत छोटे हो, मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं, लाइफ में कुछ भी काम नहीं आना, ये रिश्ते और ये सब फालतू की बातें हैं, जिसके पास पैसा नहीं है ना उसका कोई भी सगा नहीं है, चाहे हस्बैंड हो वाइफ हो भाई बहन हो या परिवार हो, सब लोग पैसे के साथ चलते हैं। जिसके पास पैसा होगा ना उसकी रिस्पेक्ट होगी, ये लड़कों के लिए भी है लड़कियों के लिए भी, इन सब चीजों को पीछे छोड़ दो, सब बकवास है, ये सब तब अच्छा लगेगा जब आपके पास पैसा होगा, आपकी लाइफ स्टेबल होगी, ये फालतू की बात। कई बार मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं, मैम ऐसा है तो हम ऐसा क्या करें, मैं तुम्हें बता दूं तुम जिस एज में हो ना इसमें कोई भी अच्छा लग सकता है, गधा भी, ये एक फैक्ट है। अब तुम्हें हंसी आ रही है लेकिन ये सच्चाई है, तुम उस एज के पड़ाव पे हो, मेरे लिए तो तुम मेरे बच्चे और भाई बहन की तरह हो ना, जिस उम्र में कोई भी अच्छा लग सकता है, चाहे वो निकम्मा हो निठल्ला हो बेरोजगार हो, वो लड़की कितनी मूर्ख हो लेकिन किसी भी लड़के को अच्छी लग सकती है, मूर्ख के साथ जीवन नहीं कटता। अच्छा लगना एक बात होती है, जीवन काटना बहुत बड़ी बात है। जीवन में ना जिम्मेदारियां होती हैं, घर परिवार में रिस्पेक्ट होती है, बातचीत का तरीका होता है, आपको 4 दिन जिंदगी नहीं चलानी, ये जिंदगी का भी एक पहले पड़ाव के एक स्टेज पे बैठे हो तुम, अभी तुम इसका दूसरा पड़ाव तीसरा 4 पड़ाव है ना जीवन के, अब तुम सेकंड पड़ाव की एंट्री पर वहां आ गए हो, जब फर्स्ट पड़ाव खत्म होगा पढ़ाई लिखाई नौकरी का, सेकंड थर्ड फोर्थ पड़ाव में तुम जिसके साथ भी जिंदगी काटना चाहते हो उसको सिर्फ शक्लो सूरत के बेस पे नहीं देखना चाहिए किसी को, ये देखना चाहिए कि इसके व्यवहार इसका आचार इसका चरित्र ऐसा है कि मैं इसको अपने घर रख सकूं। ये लड़कों के लिए भी है, ये लड़कियों के लिए भी है, इन सबको पीछे छोड़ के पहली प्रायोरिटी अपने आप को अच्छा बनाओ, क्योंकि जो काबिल होगा ना उसी को काबिल साथी मिलेगा, नाकाबिल के साथ कोई अच्छा इंसान क्यों शादी करेगा, चाहे वो लड़की है और चाहे वो लड़का है। लड़कियां अगर नहीं कमाती हैं तो कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट क्यों करेगा, तुमसे कोई कितना ही कुछ भी कह के शादी करेगा मरवाएगा झाड़ू पोछा ही वो, चाहे तुम कितना ही कोई अच्छा कहे, कोई कितना ही रिच हो, जिन लड़कियों की लव मैरिजेस भी है ना और जो पैरों पे नहीं खड़ी हैं उनको झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े ही करने हैं, तो अपना वो भविष्य देखती हो तो तुम किसी की बात में आ जाओ, और तुम्हें लगता हो कि नहीं है मेरा भविष्य ये नहीं है, काम पूरा वो भी नहीं है, लेकिन तुम्हें अगर माँ अपने पैसा लगा के काबिल बनाने के लिए पढ़ा लिखा दिया तो कम से कम अपनी वैल्यू कर लो, इसलिए सेल्फी और ये सब चीजें छोड़ दो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। ये लड़कों के लिए भी है, नालायक लड़कियों से शादी करके तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा क्योंकि उनका कुछ नहीं जाएगा, इस बात को समझो। मैं अपने भाई को भी ऐसे ही समझाती हूँ कि जिससे अगर तू अपनी पसंद से भी शादी करे ना तो वो काबिल होनी चाहिए, वो भी 22 साल का है, तो इस उम्र में क्या होता कोई भी पसंद आ जाता है, कल को माना पता चला किसी को उठा लाया जी उत्तराखंड की लड़की है इससे शादी कर ली, तो उसको हम यही समझाते हैं कि तू अपनी पसंद से शादी कर लेना। जैसे कई बार होता ना मेरे भाई बहनों ने भी ऐसा किया, भाई हमारी बड़ी सिस्टर ने मेरी बड़ी सिस्टर ने भी पसंद से शादी की, लेकिन उसके हस्बैंड क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर थे, असिस्टेंट कमांडेंट थे, वो 22-23 साल की उम्र में, आज वो DLF में 6 लाख रुपए महीने की तनख्वाह पे है, मैनेजर है वो DLF में, DLF बहुत बड़ी फर्म है ना, तो उसको देख के भाई को ये गलत फहमी नहीं, या वो मुझे देखे कि मेरी बहन भी बढ़िया लाइफ जी रही है, उसको हम यही समझाते हैं कि पहले तू काबिल बन, जब तू काबिल होगा ना तो तुझे लाइफ पार्टनर अच्छा मिलेगा, अब तू सिर्फ अपनी शक्लों पर बालों पर ध्यान रखेगा तो फिर कैसे बात बनेगी, तो ये तुम्हें भी समझा रही हूँ, लाइफ पार्टनर हमेशा अच्छा होना चाहिए, कमाऊ हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि बिना कमाती लड़कियां डिमांड बहुत रखती हैं भाई, बाद में तुम्हारा सर में दर्द करेंगे, वो रोज वो कहेंगे हमें घुमा के लाओ हमें भाई इधर ये वाला गिफ्ट दिलाओ, ये फालतू की बातें हमेशा बिना कमाती लड़कियां करती हैं, जो कमाती होती है ना वो कभी अपने हस्बैंड को नहीं कहती कि हमें गिफ्ट दिलाओ, उनको पता है पैसे की वैल्यू। मैंने कभी परिमल सर से कभी कोई गिफ्ट नहीं मांगा, देखो मुझे मर्सिडीज मिल गई क्योंकि नहीं मांगा, अगर मैं कहती मुझे रिंग दिलाओ मुझे ये दिलाओ तो शायद एक इरिटेट हो जाए ना आदमी। मैं तो खुद एक लड़की की एज में जब थी मुझे हमेशा लगता था कि क्यों लड़कियां ऐसे डिमांड रखती हैं, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि हमें किसी से मांगना ही ना पड़े, तो इसलिए तुम्हें भी और